दोस्तों हम सभी लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हर एक इंस्टाग्राम यूज करने वाले के मोबाइल में कुछ ना कुछ एडिटिंग ऐप जरूर से जरूर होनी चाहिए, जो कि उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट या हाईलाइट जो भी है सबको काफ़ी अट्रैक्टिव बना सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यहाँ पर बात करूँगा चार बहुत ही कमाल की एडिटिंग ऐप के बारे में, जो कि हर एक इंस्टाग्रामर को अपने मोबाइल में जरूर से जरूर रखनी चाहिए। और साथ ही साथ एक बोनस एप्लीकेशन है जो इस वीडियो को लास्ट तक देखने वाले। और दोस्तों बोनस एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी मदद से आप बायो बना सकते हो, हैशटैग सर्च कर सकते हो, स्टोरी बना सकते हो, पोस्ट बना सकते हो, यहाँ तक कि आप हाईलाइट भी क्रिएट कर सकते हो और अपनी प्रोफाइल में डीपी जो वेरीफाइड वाली होती है उसको बना सकते हो, तो हर एक चीज़ कर सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म में बोला जाए तो इसे आप ऑल इन वन इस ऐप का नाम दे सकते हो। तो दोस्तों चलिए तारीफ तो बहुत हो गई, अब जान भी लेते हैं कौन से वो एप्लीकेशन। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग पहले एप्लीकेशन की बात करें तो पहली एप्लीकेशन उन लोगों के लिए जो कि इंस्टाग्राम पर एक्शन वीडियोज या फिर डांसिंग वाली वीडियोज को अपलोड करते हैं। इस एप्लीकेशन की मदद से आप जो उसमें नियोन इफेक्ट भी डाल सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है गोकट, आपको प्ले स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसकी मदद से आप जो अपने वीडियो या फिर एक्शन वीडियो जिसमें भी है आप नियोन लाइट क्रिएट कर सकते हो या इफेक्ट डाल सकते हो, बस एक ही क्लिक में काफ़ी इजीली वर्क हो जाता है और इसमें ज़्यादा आपको तीन जाम नहीं करना पड़ता है। तो ऐप का नाम है गोकट, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर पे आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम है नियोन आर्ट। अब ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है जो अपनी फ़ोटो को एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा समय गंवा देते हैं, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा जो इफेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको कस्टमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उतनी अच्छी निखर के फ़ोटो नहीं आती, मतलब और बेकार सी फ़ोटो लगती है। तो इस ऐप की मदद से आप जो बहुत ही आसानी से एक क्लिक में उस फोटो को एडिट कर सकते हो। आप इसमें कई सारे प्रीसेट्स देख सकते हो, इफेक्ट देख सकते हो, और इसका मेन फीचर ये है कि आप इसमें जो है अपना बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो, बैकग्राउंड आसानी से एक क्लिक में रिमूव हो जाता है। तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और अगर आप एडिट करने में ज़्यादा समय गवाते हो तो इस ऐप को आप लोगों को जरूर से ज़रूर यूज करना चाहिए। दोस्तों आप लोगों ने कई सारे जो है रील्स देखा होगा जिसमें एक फ़ोटो रहती है, बंदा खड़ा रहता है और ऊपर बादल चला करते हैं, तो इस तरह की अगर आप फोटो या फिर रील या कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो तो आप एक ऐप का यूज कर सकते हो। ऐप का नाम है पिक्सा मोशन। इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से इस टाइप की जो है रील्स को क्रिएट कर सकते हो। किसी भी चीज़ को अगर आप चलाना चाहते हो तो वो चला सकते हो, किसी चीज़ को रोकना चाहते हो तो रोक सकते हो। काफ़ी यूजफुल ऐप हो जाता है अगर आप भी अट्रैक्टिव रील्स या फिर स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो। तो ऐप का नाम है पिक्सा मोशन, प्ले स्टोर पर बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको यहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों फोर्थ एप्लीकेशन है जिसे मैं काफ़ी ज़्यादा यूज करता हूँ, एप्लीकेशन का नाम है लाइट रूम। अब दोस्तों इसका यूज क्या है कि अगर जैसे आप फोटो अपने मन मुताबिक एडिट करना चाहते हो, अभी जैसे मैंने नियोन आर्ट बताया तो उसमें आप एक क्लिक में तो एडिट कर सकते हो, लेकिन लाइट रूम में क्या है कि आप अपने मन मुताबिक उस फोटो को एडिट कर सकते हो। आप इधर साइड में भी फोटो देख सकते हो कि मतलब किस तरीके से इसमें एडिट हो जाती है, जो भी आपको घटाना है आप इसमें घटा बढ़ा के बहुत ही आसानी से अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो। देखने में काफ़ी HD वाला लुक मिल जाता है और इसकी खास बात यह है कि अगर कोई भी फोटो, जैसे कि मैं कोई फोटो एडिट करता हूँ और उसको अपलोड कर देता हूँ कहीं पर, तो आप उस फोटो को डाउनलोड करके इसमें अपलोड करके उसका प्रीसेट्स जो है कॉपी करके अपनी फ़ोटो पे लगा सकते हो, मतलब एक ही क्लिक में। तो दोस्तों ये काफ़ी यूजफुल ऐप हो जाता है। बाकी अगर आप इसको जो है मतलब फुल यूज करना चाहते हो तो इसको बाय भी कर सकते हो। अगर आप बाय नहीं करते हो तो भी आप इससे बहुत ज़्यादा काम चला सकते हो, क्योंकि 90% जो काम बिना बाय किए ही हो जाता है, तो 10% के लिए इस ऐप को बाय करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो लाइट रूम ऐप का नाम है, आपको ये भी ऐप बड़ी आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अब दोस्तों लास्ट एप्लीकेशन जो कि बोनस एप्लीकेशन है और उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है। दोस्तों ऐप का नाम है फोको डिजाइन। अब दोस्तों इस ऐप में आप जो है बहुत कुछ कर सकते हो। आप इधर देख सकते हो आपको हाईलाइट्स मिल जाता है, बायो मिल जाता है, और क्या बोलते हो उसको हैशटैग सर्च करने के लिए मिल जाता है, रील्स के लिए भी मिल जाते हैं टेम्पलेट, और इसमें स्टोरी के लिए मिल जाते हैं, पोस्ट को कस्टमाइज कर सकते हो। इसका खास फीचर मुझे ये लगा कि कैप कट वाला, अगर जिससे आप किसी फोटो को कहीं पर भी अपने लगाना चाहते हो तो उसमें बड़ी आसानी से इसको जो है डिटेक्ट कर लेता है, उसका कैप कट करके वो जगह पे लगा देता है, तो मतलब बैकग्राउंड रिमूवर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हाईलाइट लगा सकते हो, क्योंकि हाईलाइट लगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है, जो आप प्रोफाइल में देखते हो इधर नीचे हाईलाइट लगे होते हैं उनको बहुत आसानी से इसमें एडिट कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल को भी एडिट कर सकते हो, DP को भी, जैसे कि मेरी वाली DP देख सकते हो, मैंने यहीं से इसको बनाया था। और इसमें कई सारे आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ऑल इन वन ये ऐप है और इसमें आप हर एक चीज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को हैशटैग के लिए अलग ऐप रखना पड़ता है, बैकग्राउंड रिमूवर के लिए अलग ऐप रखना पड़ता है, लेकिन इस ऐप को आप रखते हो तो सारे एप्लीकेशन को भूल जाओ और इसमें आप बड़ी आसानी से इन सभी चीज़ों को एक ही क्लिक में कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ यही थी एप्लीकेशन, आई होप आप लोगों को ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी लगी होंगी, और सारे ऐप का लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में
आप वहाँ से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और जो भी सवाल है सुझाव है नीचे आप कमेंट कर सकते हो, या फिर जो भी कहना चाहते हो वो भी नीचे कमेंट में कह सकते हो। और दोस्तों अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे लाल वाला बटन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंस्टाग्राम रिलेटेड ऐप रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो मिलती हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।